ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 26 अगस्त को शुक्रवार पड़ रही है और इस दिन चतुर्दशी तिथि भी है। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, आपका घर बीमारी छोड़ ही नहीं रही है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बस आपको एक पेड़ के नीचे जाना है और एक मंत्र बोलना है और आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए खत्म होगी। कैसे करना है इस उपाय को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहला काम आपको करना है वीडियो को लाइक करना। और इस नए वाले चैनल पर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपके सामने बेल का पेड़ दिख रहा है। ऐसे बेल के पेड़ के नीचे जाना है जिसकी छांव आपके ऊपर पड़े। कहने का मतलब कि आपको बड़े बेल के पेड़ के नीचे जाना है। अगर बड़ा बेल का पेड़ आपके पास नहीं है तो आप अगर गमले में लगा रखा है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है? क्या करिएगा, बेल पेड़ के नीचे जाइएगा और वहाँ पर बैठिएगा नीचे, ठीक है? आसन बिछाइएगा सबसे पहले और उसके बाद उस पेड़ के नीचे बैठिएगा। और उसके बाद आपको एक मंत्र का वहां पर जप करना है। कितनी बार, 11 बार आपको जप करना है। इस जप को आपको महामृत्युंजय जप हम लोग बोलेंगे। उस एक मंत्र का क्या नाम है, महामृत्युंजय मंत्र। उस मंत्र को आपको 11 बार बेल पेड़ के नीचे बैठ करके अगर आप पढ़ देते हैं, बोल देते हैं, तो आपके घर से जो भी बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म होगी। ध्यान क्या रखना है, इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन ही कीजिएगा और किसी भी दिन नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी हमारे घर में बीमारी आती है तो इसका मतलब कि हमारा जब शुक्र खराब होता है तभी हमारे घर में बीमारी आती है, ठीक है? एक चीज और बता दूं कि अगर आप खुद बीमार हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर का कोई सदस्य बीमार है और अगर आप उसके लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको पहले महामृत्युंजय मंत्र करना है। और जिस भी व्यक्ति की तबीयत खराब है वो इस उपाय को नहीं कर सकता तो आपको उसका ध्यान करते हुए, उसका नाम लेते हुए और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र को आपको कितनी बार पढ़ना है, 11 बार आपको पढ़ना है बस। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय था, मैंने बताने की समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। कितना से बड़ा भारी से भारी रोग आपके घर में होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। कोशिश की है अच्छा बताने की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में पूछेगा, आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करिए। जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।